बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्स। ये रियल नंबर्स का एक टॉपिक है सर्स। कंसीडर दीज रूट्स, इस रूट को देखते हैं हम। रूट फोर, रूट फोर मालूम है हमें क्या होता है, टू। एंड क्यूब रूट ऑफ एट, ये भी होता है टू। इलेवन, रूट इलेवन नहीं निकाल सकते। रूट फाइव वी कैन नॉट फाइंड। एंड ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि हम इस रूट्स की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू, क्यूब रूट ऑफ रूट एट इज टू, बट वी डोंट नो रूट इलेवन, रूट फाइव, रूट सेवन। 11 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट 7, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो रूट 11, रूट 5 एंड रूट 7 आर इररेशनल्स। रूट 4 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, दीज आर रेशनल, बट दीज 3 रूट्स आर इररेशनल। तो हम सर्ट्स किसे कहेंगे? सर्ट्स किसे कहेंगे? द रूट ऑफ रैशनल इज अ इरेशनल, देन दैट टर्म इज अ सर्ट। ऐसी टर्म जिस रैशनल नंबर का रूट यदि इरेशनल नंबर हो तो उसे हम सर्ट्स कहते हैं। किसे कहेंगे बच्चों? सर्ट्स। द रूट ऑफ रैशनल इज इरेशनल, देन लिख लेते हैं इरेशनल रूट ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ट। एंड इट डिनोटेड बाय दिस, इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। क्या होना चाहिए? इरेशनल रूट होना चाहिए। इरेशनल रूट ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड सर। तो डिनोट ऐसा किया जाता है इसे, एन, एन को ऑर्डर कहा जाता है। ये रेडिकंड बोलते हैं इसे, दिस इज अ रेडिकंड एंड दिस सिंबल इसे कहते हैं रेडिकल। समझ में आया बच्चों क्या है? दिस क्या होना, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर। और ये को क्या कहते हैं? रेडिकंड। सिंबल को क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। दिस इज अ रेडिकल साइन। तो ध्यान में रखना है, दिस इज अ नेचुरल नंबर। क्या होना? हमेशा नेचुरल नंबर होना, बट देयर इज अ कंडीशन ग्रेटर देन वन। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। रेडिकल जो है हमेशा क्या होना? रैशनल नंबर होना। क्या होना? रैशनल नंबर। रेडिकंड शुड बी रैशनल नंबर, ऑर्डर मस्ट बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, एंड रेडिकल साइन टू वी नो दैट दिस सिंबल इज अ रेडिकल साइन, देन इट इज अ सर्ट। कब सर्ट रहेगी? यदि ये नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन रहेगा, और रेडिकंड जो है वो क्या रहेगा? रैशनल नंबर रहेगा, देन वी से दैट दिस टर्म इज अ सर्ट्स। इसे क्या कहेंगे? सर्ट्स। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर एंड बट ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, and a is a rational number, then is a set,
This is a simple definition of set. Natural number, rational number. यहाँ जो है नंबर वो क्या रहेगी? नेचुरल नंबर. और अंदर में जो नंबर है वो क्या रहेगी? रैशनल नंबर. तो कंप्लीट टर्म जो बनेगी वो कैसी आनी चाहिए? इज अ रैशनल नंबर. और एक है सर्ट्स अभी नहीं होगी कब? दिस कंप्लीट टर्म इरेशनल होना. क्या होना? इरेशनल. तीन कंडीशन होना. ए फर्स्ट दिस टू एंड दिस इज अ थर्ड. तीन कंडीशन है देन इट इज अ सर्ट. पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन. दिस मस्ट बी ए रैशनल नंबर एंड दिस कंप्लीट टर्म इज इरेशनल. देन दिस इज द सर्ट. तीन यदि कंडीशन फुलफिल होती है तो इसे हम सर्ट कहेंगे, नहीं तो सर्ट नहीं कहेंगे. ये कंप्लीट टर्म क्या होना? इरेशनल. If this complete term is irrational, then this sir. अब सामने चलते हैं. इसके कुछ लॉज है. लॉज ऑफ सर्ट्स. लॉज ऑफ सर्ट्स. फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या हो जाएगा. If order of third is and and power of third is and, then this is A. इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दिस. इसका मतलब क्या होता है? पावर एंड ऑर्डर इज सेम, देयरफॉर इट बिकम टू. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? If order and power is same, then it equal to radicand. तो उसके बराबर क्या आएगा? Radicand. Radicand में जो नंबर है वो उसके बराबर आएगा. तो second law, n a ध्यान में रख. ऑर्डर सेम होना, दोनों के ऑर्डर सेम होना. रेडिकंड अलग है नो प्रॉब्लम, सेम है नो प्रॉब्लम. सिर्फ कंडीशन क्या है? ऑर्डर मस्ट बी सेम. ऑर्डर इज सेम देन यूज दिस. इसको एक ही रेडिकल साइन में लिख के ए मल्टीप्लाइड बाय बी कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यदि लिखना है हमें, यहां पे लिख लिया हमें 3 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 5. दोनों के ऑर्डर सेम है. देन वी कैन राइट इन सेम रेडिकल साइन. आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? सेकंड लॉ क्या कहता है? इफ ऑर्डर इज इक्वल एंड दिस रेडिकल Maybe equal or not. तो क्या हो जाएगा? इसको एक ही रेडिकल साइन में मल्टीप्लाई करते. इसी प्रकार डिवीजन कर लिए. थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या है? ये बी. तो इससे एक ही रेडिकल साइन में हम लिख सकते हैं. मान लो ए रूट 5 अपॉन रूट 7. तो इसे एक ही जगह हम लिख सकते हैं. बट रिमेंबर ऑर्डर मस्ट बी सेम. मल्टीप्लीकेशन में भी एक ही रेडिकल साइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन में भी हम एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं. ये थर्ड लॉ हो गया. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. अब चौथा देखते हैं. फोर्थ. ये भी ऐसा है. एम है यहाँ पे. तो यदि हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर को, तो यहाँ पे भी वैसा ही करना है. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. कोई भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ही भी करना है
ऑर्डर यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पावर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है और 2^5 यहाँ ऐसा लिख लिया हमने 2 3 है या 2^2 है। यदि हम यहाँ 3 × 5 करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 2 × 5 means 15 और यहाँ आएगा 10। तो इन दिस वे वी कैन यूज दिस लॉ। यहाँ जिसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 4th लॉ। तो ये थोड़े 3-4 लॉज जो है वो हमें ध्यान में रखना है और इसका इस्तेमाल हम करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करने में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लाइक सर्ट्स और सिमिलर सर्ट्स। दो बातें हैं इसमें, इफ ऑर्डर सेम, ऑर्डर कैसे होना सेम, एंड रेडिकेंड इज सेम, रेडिकेंड भी कैसे होना सेम, देन दीज सर्ट्स आर कॉल्ड लाइक सर्ट्स। क्या है ऑर्डर एंड मान लो यहां पे एन ये है और ऑर्डर रेडिकेंड सेम है तो वो क्या हो जाएगा। यदि हम नंबर में दिखाते हैं 2 है या 16, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड रेडिकेंड मस्ट बी सेम। यदि रेडिकेंड और ऑर्डर सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक सर्ट्स कहेंगे। लाइक सर्ट्स किसे कहेंगे बच्चों, जिस शर्ट में ऑर्डर और रेडिकेंड इक्वल होगा वो शर्ट लाइक सर्ट्स होगी। कितनी भी दी है हमें बोला कि इसमें से लाइक सर्ट्स पहचान, तो हमें पहचानते आना चाहिए। जैसा हमें दे दिया 8 दे दिया है ना, इधर 32 दे दिया है ना, तो ये लाइक सर्ट्स है क्योंकि देखो 8 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ऑर्डर इज 2 एंड रेडिकेंड इज 8, दिस सर्ट्स आर लाइक सर्ट्स। तो लाइक सर्ट्स हो गए, सिमिलर सर्ट्स हो गए, लाइक सर्ट्स में हम सिमिलर सर्ट्स कहते हैं। अब इसके बाद हम रैशनलाइजेशन आप देखते हैं, क्या देखते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ 2 सर्ट्स। क्या है, 2 सर्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे यदि हमें रैशनल नंबर मिलती है तो उसे कहते हैं हम रैशनलाइजेशन, और कोई भी एक सर्ट को कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोला मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स इज अ रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स इज अ रैशनल नंबर, देन एनी वन सर्ट, 2 सर्ट है तो कोई भी एक सर्ट दूसरे सर्ट का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। अब जैसा देखो यहां पे हमें दे दिया है 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 और यहां बोला 2
अब क्या हो गया, हम इसको इस एक ही शब्द में लिख सकते हैं, बिकॉज क्या है, ऑर्डर इज सेम. यदि ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, देन वी कैन राइट इन सेम शब्द. तो ये क्या हो जाएगा 36. तो ये इसका ऑर्डर कितना है 2, एंड पावर इज ऑल्सो 2, देयरफॉर वी गेट 6. तो दिस इज अ रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स है. ये क्या है, दो सर्ट्स है. यदि दो सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, दो सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन यदि रैशनल नंबर मिलती है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दैट इज अ रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट, एंड वन सर्ट इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अनदर सर्ट. अब इसी के ऊपर हम देखेंगे प्रॉब्लम एक्सरसाइज. सर्ट्स के ऊपर हम देखते हैं एक्सरसाइज, वेरी सिंपल है. तो एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो. ऑर्डर देखना है, ऑर्डर वेरी सिंपल क्वेश्चन है. यदि हमें ऐसा दे दिया, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर मींस ये नंबर क्या रहता है, ये ऑर्डर होता है, और ये क्या होता है, रेडिकल होता है, एंड दिस सिंबल इज अ रेडिकल सिंबल. तो ये टोपी, मान लो ये टोपी है, टोपी के अंदर जो नंबर रहेगी दैट इज अ ऑर्डर, और ये सिंबल के अंदर जो नंबर होंगी उसे क्या कहेंगे हम, रेडिकल. तो यहाँ ऑर्डर कितना रहेगा 3, इसका ऑर्डर कितना रहेगा 3. यदि हम यहाँ पे लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना रहेगा, मैंने एक बताया तुमको क्या, ये इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है क्या है, लेकिन इसको रैशनल, इसका एक लॉ बताया मैंने क्या, यदि ऐसा, ये लॉ नहीं बताया क्या, सुन लो. यदि एम है, एन है, तो इसे ऐसा लिखते हैं, दिस इज वन अनदर लॉ. दूसरी सर्ट, एक सर्ट के एक रेडिकल साइन में और एक अंदर सर्ट है, और इसका ऑर्डर एन है और इसका ऑर्डर एम है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इसको एक ही सर्ट में, एक ही रेडिकल साइन में लिखा जाता है. तो मान लो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और ये 7 है, कुछ भी है नंबर मान लो, तो ये दो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 7. 3 × 5 = 6, 15, और ये क्या आएगा 7. तो ये एक लॉ है, और ये एक लॉ ध्यान में रखना है क्या है, यदि एक सर्ट रेडिकल साइन, एक सर्ट है, ये दूसरी सर्ट है, ये रेडिकल साइन के अंदर दूसरी सर्ट है, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करने का, दोनों का प्रोडक्ट इसका ऑर्डर हो जाएगा, और ये जो रेडिकेंट है वो रेडिकल वही रहेगा. तो ये दो ऑर्डर का क्या होता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है. यदि इसका ऑर्डर हमको पूछा तो हम क्या बताएंगे, इसका ऑर्डर 3 × 5 = 15, इसका ऑर्डर आएगा 15. तो ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स. पहला है क्या है ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सर्ट इज 7, बस ऐसा ही लिखना है, ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या है 7. दूसरे में क्या दिया है, ऐसा दिया है, ये बात, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसके ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है, ऑर्डर जिसका लिखा नहीं जाता उसका ऑर्डर 2 रहता है, जिसका ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, और 2 के ऊपर ऑर्डर लिखा जाता है, और जहां ऑर्डर लिखा नहीं है तो उसका ऑर्डर कितना रहेगा 2. तो ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट इज 2. 5 इसका क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ये 5 × √12 √12 मीन्स ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इसका 2 है,
तो ये ध्यान में रखना है। अब थर्ड, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ नंबर देखना है कौन सी है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्च। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च। देखो 3 क्या ये नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर, 51 ग्रेटर देन 1 है ना, क्या ये ग्रेटर देन 1 एंड 51 इज अ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर और दिस इज इरेशनल, है ना इरेशनल, क्योंकि हमें मालूम नहीं है क्यूब रूट ऑफ 51, वी कैन फाइंड इट नॉट, ये इरेशनल नंबर है, देयरफॉर ये क्या आएगी इज अ सर्च। हमें कितनी बातें देखना है, 3 बातें देखना है, ऑर्डर क्या होना, ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर होना, अंदर की नंबर कैसी होना, रैशनल नंबर, एंड कंप्लीट टर्म क्या होना, इरेशनल नंबर। तो पहली क्या है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्च, तो ये सर्च है। अब सेकंड दिया है इसमें रूट 4 है ना, 16। अब ये क्या है, पावर ऑफ 2 4, 2 raised to power 4 क्या हो जाएगा 16। देखो 2 multiplied by 2 is 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, means order and power is same, is equal to 2, means इसके बराबर क्या आता है 2। ये टर्म कंप्लीट टर्म इरेशनल नंबर है क्या, नहीं, द 4th रूट ऑफ 16 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सर्ट, ये सर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें क्या होना, इरेशनल होना, टर्म शुड बी इरेशनल। ये तो बराबर है, 4 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 16 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस टर्म इज अ नॉट इरेशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर, ये तो लिखेंगे हम। सेकंड में क्या लिखेंगे, 4 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 16 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ये क्या है, इक्वल टू क्या आता है 2, ये क्या है रैशनल नंबर है, क्या है ये रैशनल नंबर, देयरफॉर 4th रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ट, इज नॉट अ सर्ट। 2 कंडीशन फुलफिल होती है, 3rd कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इसलिए ये सर्ट नहीं होना, नहीं है। 3rd कंडीशन क्या है, 3rd कंडीशन में जो कंप्लीट टर्म है वो इरेशनल होना, यदि वो इरेशनल नहीं है तो वो सर्ट नहीं होती। तो ये सेकंड क्वेश्चन देख के यू कैन डू इट, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3rd, क्लासीफाई द गिवन सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। अब लाइक सर्ट्स में क्या बोला मैंने, रेडिकेंट सेम होना और ऑर्डर सेम होना। जिस सर्ट्स के ऑर्डर और रेडिकेंट सेम है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लाइक या सिमिलर सर्ट्स कहते हैं। तो पहला है, पहला देखते हैं हम, फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, 52 को सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने का, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी वी कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर, जिसको हम उसके बाद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वी कैन राइट दिस 4 multiplied by 13, तो 4 यानी क्या होता है 2 power 2 square, अब इसका ऑर्डर कितना है 2, पावर कितना है 2, तो ये रेडिकल साइन के क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये फर्स्ट टर्म है। हमें क्या देखना है, कौन बोला है 52 एंड
13 13 ही है ना, नहीं 5। बाजू वाली नंबर कितनी है उसे नहीं देखना है, हमें क्या देखना है इसके अंदर की, यानी ऑर्डर एंड रेडिकल, बस दोनों इक्वल होना, बाकी बाजू में क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, उसे हमें कोई समस्या नहीं। हमें क्या देखना है, सिर्फ ऑर्डर एंड रेडिकल। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का, जो भी हमें दिया है, जो भी हमें सर्ट दिया है, लाइक है कि नहीं देखना है, तो उसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अब ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये तो है, ये क्या है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे कुछ नहीं कर सकते। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, इसका 2√13। क्या है, द ऑर्डर ऑफ बोथ ऑर्डर एंड रेडिकंड, ऑर्डर एंड रेडिकंड ऑफ बोथ सर्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर द सर्ट्स आर लाइक सर्ट्स। सिंपल है ना।